ए आकाशवाणी जम्मू है बड़ले खबरें तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्ने मैं श्रुति खजूरिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने बैक टू विलेज अभियान दे त्रीए गेट दी घोषणा कीती। ए 2 अक्टूबर थमां शुरू होग। मुख अभियान कोला पहले आले जन अभियान दी शुरुआत 10 सितंबर थमां। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें उद्योगिक बायोटेक पार्क कठुआ दी प्रगति दा जायजा लैता ते भंग ते लैमन ग्रास बारे अनुसंधान परियोजनाएं दी भी समीक्षा कीती। कश्मीर दे नौगाम सैक्टर आली कब्जा रेखा कन्नै लगदे इलाके च पाकिस्तानी बलें आसेया कीती गेदी संघर्ष विराम दी खिलाफवर्जी आली घटना च 1 जवान शहीद ते 2 घायल होई गए। कोविड-19 दे 21 दिनें च अजें तक दे सभनें थमां वध 1250 मामले सामने आए। जम्मू खित्ते च 10 लोकें दी मौत। इस लागे थमां प्रभावित मरीजें ते नरोए होने दी दर 75.57%। श्री माता वैष्णो देवी जी दी यात्रा पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दे 12 थमां हर रोज आने आले श्रद्धालुओं दा कोटा 500 किया गया। खबरें दी तफसील करने जगमोहन शर्मा। जम्मू कश्मीर च प्रशासन आसेया ग्रामीण इलाकें तगर पुज्जिए मकामी जरूरतें दिक्कतें ते मंगें गी समझने लई चलाए गेदे बैक टू विलेज अभियान दा त्रीआ गेड़ 2 अक्तूबर कोला लेइयै 12 अक्तूबर तगर लोआया जा करदा है। इस बारे घोषणा बिजली विकास ते सूचना विभाग दे प्रधान सचिव रोहित कंसल होरें कल श्रीनगर च इक प्रेस कांफ्रेंस दौरान दित्ती, जेड़े सरकार दे प्रवक्ता भी हैन। उनें आखेआ इस बारी सरकार मुख बैक टू विलेज अभियान कोला पहले आले 3 हफ्तें दे बैक टू विलेज जन अभियान चलाने दा फैसला कीता गया, जेड़ा 10 सितंबर कोला लेइयै 30 सितंबर तक चलाया जाग। एदे त्रै मुख उद्देश्य न। पहला जन सुनवाई यानी जनता दियें शिकायतें दा नबेड़ा, दुआ ग्राम पंचायत सतह पर सेवा पुजाने आला अधिकार अभियान ते त्रीआ उन्नत ग्राम अभियान तहत ग्राम पंचायतें दी सतह तगर तरक्की बाद्दे गी पुजाना। इस बारे जानकारी मीडिया कन्नै सांझी करदे होई उनें दस्सेया जे इस अवधि दौरान लोकें दियां शिकायतां सुनियां जांगन ते सब्भनें जिला विकास कमिशनरें ते सरबंधित SSPएं गी ऐतवार ते बुधवार गी छुड़िए अपने अपने दफ्तर च लाजमी तौरा पर हर रोज बडलै 10 बजे कोला लेइयै 11:30 बजे तगर मौजूद रौह्ना होग, जिसलै कि डिविजनल कमिशनर हर मंगलवार ते वीरवारें बडलै 10:30 बजे कोला लेइयै 11:30 बजे तगर अपने दफ्तरै च मौजूद रौह्ङन। उआं यौमे ब्लाक जेहड़ा बुधवारें लग्गा करोग, सब्बै DC ते SP इनें 3 हफ्तें दौरान इनें ब्लाकें दा दौरा करङन। प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तरै च राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें कल वीडियो कांफ्रेंसिंग राएं इक उच्ची सतह दी बैठक लोआइयै कठुआ च औद्योगिक बायोटेक पार्क दे कम्मै दी प्रगति, भंग ते लेमन ग्रास बारे अनुसंधान परियोजनाएं दी समीक्षा कीती। CSIR TRIIM जम्मू दे डायरेक्टर डॉ श्रीनिवास रेड्डी होरें उनेंगी उंदे संस्थान आसेया चलाए जा'रदे खुशबोई आले बूहटें पौधें दी राड़ करने आले एरोमा मिशन दे बारे च तफसीली जानकारी दित्ती ते एदे तैहत चलाई जा'रदियें गतिविधियें दे बारे च भी दस्सेया। उनें दस्सेया जे IIIM जम्मू ने कठुआ, रियासी, सांबा ते उधमपुर जिलें दे करसानें गी नींबू आंगर दी खुशबोई आली लेमन ग्रास दी उन्नत बनकी उपलब्ध करोआई ऐ ते करसानें दे समर्थन लई इंदे 11 डिस्टिलेशन यूनिट भी लाए गए न, जित्थे इस घा सोआं खुशबोई आला अर्क कड्डिया जंदा ऐ। डॉ श्रीनिवास होरें दस्सेया जे IIIM करसानें गी लेमन ग्रास दी रड़ करने लई प्रेरित करने आस्ते 300 एकड़ जिमी पर एदी पैदावार दा लक्ष्य तय कीता गया, जेदे नै करसानें गी खरी मती आमदन होई सकदी ऐ। उनें दस्सेया जे IIIM उनेंगी तकनीकी समर्थन भी उपलब्ध करवाग ते एरोमा मिशन तैहत आउंदे 3 बरें च कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर, रामबन, डोडा ते किश्तवाड़ जिले च 7 होर डिस्टिलेशन यूनिट लोआए जाने दा लक्ष्य तय कीता गया है। जम्मू कश्मीर सरकार अजें तोड़ी अपने कुल 20 जिलें च 12,44,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर दित्ते न। आंकड़े मुजब 31 अगस्त 2020 तगर कुल 17,18,887 लोकें इस प्रमाण पत्र लई दरखास्त दित्ती ही, जिंदे चा 12,43,996 गी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर दित्ता गया है। इंदे चा भी कोई 2/3 सर्टिफिकेट दरखास्त देने दे 7 कोला लेइयै 15 दिनें दे अंदर अंदर गै जारी कर दित्ते गे हे। जारी डोमिसाइल सर्टिफिकेटें चा 2,86,000 कश्मीर ते 9,45,000 जम्मू प्रांता च बनाए गे न। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने लेई दरखास्त सरबंधित तहसीलदार दे दफ्तरै च ते आनलाइन भी जमा कराई जाई सकदी ऐ। आनलाइन दरखास्त देने दी व्यवस्था COVID-19 महामारी दे खतरे कोला बचने लई एहतियात दे तौरा पर कीती गेई ऐ। उपराज्यपाल हुंदे सलाहकार फारूक खान होर 7 सितंबर गी बडलै 10:00 बजे 12 बजे तगर लोकें दे प्रतिनिधिमंडलें ते व्यक्तिगत तौरा पर भी जेकर कोई उनेंगी मिलना चाहंदा ऐ तां उहदे लई जम्मू दे कनाल रोड स्थित बैंकट हाल च मलाटी करी सकते न। जेड़े भी लोक उंदे कन्नै मलाटी करना चाहंदे न उनेंगी आखेआ गेआ ऐ जे ओह इनें टेलीफोन नंबरें पर
पहले सवां समा ले लैन। ए नंबर न 9469384111 ते दूआ नंबर है 7889848928। सलाहकार कानून दे कन्ने मलाटी करने लई आने आले लोकें दे प्रतिनिधिमंडलें गी सलाह दित्ती गई है जो कोविड-19 सरबंधी सबने नियमें कायदें ते दिशा निर्देशें दी पालमा करन। कोविड-19 आले संक्रमण गी दिखदे होई ए आग्रह कीता गया है जे प्रतिनिधिमंडलें च छड़े त्रै गै लोक शामल होने लोड़दे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सैक्टर आली कब्जा रेखा कन्ने लगते इलाके च पाकिस्तानी बलें आसिया कीती गई संघर्ष विराम की खिलाफवर्जी आली घटना च सेना का एक जवान शहीद हो गया है जिसले कि दो होर घायल हो गए। अधिकारिक सूत्रें मुजब पाकिस्तानी बलें नौगाम सैक्टर च सेना की चौकियों को निशाना बनाया जिदे च भूपेंद्र सिंह शहीद हो गया जिसले कि लासनायक वेंकटेश ते सिपाही शजल घायल हो गया है। घायलों को सेना के 92 बेस अस्पताल च भर्ती करवाया गया जिथे उनका इलाज चला करता है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की हिमाकत का पूरी तगड़ियाई कन्ने बनकता परता दिता है। ये खबर तुस आकाशवाणी जम्मू पर सुनाते हो। बाकी दी खबरें कन्ने श्रुति खजूरिया। जम्मू कश्मीर च कल नोवेल कोरोना वायरस के 1257 मामले सामने आए। इस महामारी दे जम्मू कश्मीर च फैलने मगरा 21 दिनें च सामने आने वाले मामले दा सबने थमां बद्ध अंकड़ा है। कल सामने आए दे मामले मगरा जम्मू कश्मीर च कोविड-19 दे कुल मामले दी गिनतरी 42,241 होई गई है। आकाशवाणी जम्मू दे संवाददाता दी रिपोर्ट मुताबक 15 लोकें इस लागे करी अपनी जान गवाई, इंदे च 10 जम्मू ते 5 कश्मीर खित्ते थमां है। हुन केंद्र शासित प्रदेश च कोविड-19 करी होने आली मौतें दा आंकड़ा 770 होई गया है। कुल तस्दीकशुदा मामले च 11 जम्मू खित्ते थमां न। कल सामने आए दे नवे मामले च 512 कश्मीर खित्ते थमां जिसले कि 739 जम्मू खित्ते थमां है। केंद्र शासित प्रदेश च कुल सक्रिय मामले दा आंकड़ा 9547 है जिंदे चा 5572 मामले कश्मीर थमां ते 3975 मामले जम्मू खित्ते थमां। 499 और मरीजें दे नरोए होने मगरा उनेंगी बक्ख बक्ख अस्पतालें थमां छुट्टी थोई गई। जम्मू कश्मीर च कोविड-19 थमां ग्रस्त मरीजें दे नरोए होने दा आंकड़ा 31924 होई गया जेड़ा कुल मामले दा 75.57% है। श्री माता वैष्णो देवी जी दी यात्रा रमानदारी कन्नै जारी है, त्यौहार लंघदे दिन कन्नै रफ्तार फगड़ा करदी है। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता दी रिपोर्ट मुताबक केंद्र शासित प्रदेश से 12 थमां यात्रा लई हर रोज आने आले श्रद्धालुओं का कोटा बधाइए 500 कर दिता गया है। इत्थे चेता दुआना जरूरी है जे श्री माता वैष्णो देवी जी दी यात्रा 16 अगस्त 2020 गी शुरू हुई ही। श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड दे मुख कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार होरें आख्या जे श्रद्धा सुमन विशेष पूजा लई श्रद्धालुओं से ऑनलाइन सरिस्ते राय पंजीकरण शुरू हो गया है। श्राइन बोर्ड आसिया भवन अधकुवारी कटरा ते जम्मू च श्रद्धालुओं दे ठहरने लई सुविधा उपलब्ध है। इस दौरान मानक संचालन संबंधी सारी प्रक्रिया का पालन किया जा करता है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की ऑनलाइन सरिस्ते रहेंगे पंजीकरण कराना होगा। इस सब यात्रा पंजीकरण काउंटर्स पर लोगों के किट नहीं लगे करी इस करी किया जाता है। रामबन जिले च जंदी राती पेश आए एक सड़क हादसे च जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ASI गंभीर तौर पर घायल हो गया। राती कोई 8 बजे यह हादसा उसले पेश आया जिसले जम्मू थमां श्रीनगर जा रही कार जेड़ी ASI चला करदा हड्डी डोल थार कश रुलकिया खल एक 80 फुट डूंगी खाई च जाई पई। SDRF पुलिस ते QRT दे स्वयंसेवी ASI गी जख्मी हालत च जिला अस्पताल रामबन पहुंचाया जिथे उसी जम्मू मेडिकल कॉलेज भेज दिता गया। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा और एक बैठक दौरान डोडा राजौरी ते कठुआ जिले च बनाए जा करदे सरकारी मेडिकल कॉलेज के कामकाज की रफ्तार का जायजा लिता। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस राय मुतलका डिप्टी कमिश्नर कने लाई गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस च डिप्टी कमिश्नर कने काम करा दी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों भी हिस्सा लिया। डिविजनल कमिश्नर और काम करा दी एजेंसियों की आख्या जो कमे की रफ्तार की तेज करन ते कमे की मिथे गए समय अंदर सबूरा करन तां जे इन्हें सेहत इदारें का ला लोगों तक पुजी सके। ऑल सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक शिष्टमंडल कल उपराज्यपाल हुंदे सलाहकार के शर्मा होरें गी मिलिया ते अपने कई सारे मुद्दे उंदे अगे रखे जिंदे च पंजाबी की भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश दी अधिकारिक भाषाएं च शामिल करने की मंग भी शामिल ही। शिष्टमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल आसिया आज मंजूर किए गए संसदीय बिल का हवाला दिता जिदे च उर्दू कश्मीरी डोगरी हिंदी ते अंग्रेजी की जम्मू कश्मीर दी अधिकारिक भाषाएं च शामिल किया गया पर पंजाबी भाषा गी नजरअंदाज किया गया। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर सिख हिंदू ते मुसलमान समुदाय दे लोकें दी ए मां बोली है। सलाहकार होरें इंदे कने गल्लबात करदे भरोसा दोआया जे इस मुद्दे की पहल दी बिना पर सरबंधित धड़े अगे रखा जाग।
ते अखीर च खास खास खबरें पूरी परती है। जम्मू कश्मीर सरकार ने बैक टू विलेज अभियान के त्रीए गेड़ की घोषणा की है, जड़ा 2 अक्तूबर थमां शुरू होग। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें औद्योगिक बायोटेक पार्क कठुआ की प्रगति का जायजा लैता, भंग ते लेमन ग्रास बारे अनुसंधान परियोजनाएं की भी समीक्षा की। कश्मीर के नौगाम सैक्टर आली कब्जा रेखा कन्ने लगते इलाके च पाकिस्तानी बलें आसिया की गई गोलाबारी च एक जवान शहीद हो गया ते श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुएं की गिनती का कोटा बधाइए 500 कर दिता गया। एदे कन्ने गे खबरें दा ए बुलेटिन समाप्त हुआ।